शैतान वाजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे सेलर स्टूडेंट्स। श्री क्लास हाउ आर यू, होप यू आर फाइन। श्री क्लास, इट्स टाइम फॉर द पीरियड ऑफ मैथ्स एंड टुडे वी विल सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज 2E ऑन योर नोटबुक। ये देखिए बच्चों, ये है जी पेज नंबर 97 पे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। इसके हम 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन आपकी नोटबुक पे सॉल्व करेंगे। तो सारे बच्चे अपनी अपनी नोटबुक्स निकालेंगे। सो एज वेल स्टूडेंट्स, प्रिपेयर पेज फॉर क्लास असाइनमेंट। ड्रॉ मार्जिन लाइन ऑन बोथ साइड ऑफ पेज, राइट डेट एंड डे। एक्सरसाइज 2E पेज नंबर 97 एंड द क्वेश्चन सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स। एंड द प्रॉब्लम नंबर 1 इज मदर टेक्स रिहान टू एन ऑर्फनेज। ही शेयर्स 88 सैंडविचेस इक्वली अमॉन्ग 9 चिल्ड्रन। हाउ मैनी डज ईच चाइल्ड गेट एंड हाउ मैनी सैंडविचेस आर लेफ्ट ओवर। ठीक है, इसमें बोल रहे हैं कि रेहान की मदर जो है वो उसको एक ये ऑफन यानी कि यतीम खाने में लेके गई। ठीक है, उनके पास जो 88 सैंडविचेस थे वो उन्होंने 9 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, डिवाइड किए हैं। ठीक है, और अब वो बता रहे हैं, अब वो पूछ रहे हैं कि हर बच्चे को कितने सैंडविचेस आए होंगे और जो कितने सैंडविचेस हैं जो बच गए हैं। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखा है सैंडविचेस कितने थे हमारे पास, 88 वो लिखे। ठीक है, चिल्ड्रन लिखे, चिल्ड्रन कितने दिए, कहते हैं हमें 9 चिल्ड्रन से। ठीक है, और नीचे मैंने लिखा 1 चाइल्ड गेट सैंडविचेस, एक बच्चे को कितने सैंडविचेस आए। तो अच्छा बच्चों, ये बात मैंने आपको बताई थी कि जब हमें एक चीज़ की वैल्यू दी जाए और हमने ज़्यादा की मालूम करनी हो तो अब हम ये करते हैं मल्टीप्लाई, और जब हमें ज़्यादा चीज़ों की वैल्यू दी जाए और हमने एक की मालूम करनी हो तो हम तब करते हैं डिवाइड। क्या करते हैं, डिवाइड। अब देखिए यहाँ पे हमें ज़्यादा चीज़ें दी गई हैं ना, ठीक है, और बच्चे भी ज़्यादा, और उन्होंने पूछा है कि एक को कितने आए हैं। ठीक है, अब वन थिंग की हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसको डिवाइड करेंगे। 88 डिवाइडेड बाई 9 लिखा मैंने, देखें, और रफ वर्क में मैंने इसको यहाँ पे डिवाइड कर लिया है। 88 डिवाइडेड बाई 9, अच्छा देखें बाहर 1 डिजिट के अंदर भी 1 डिजिट लें एक, तो वो 9 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लेंगे दोनों डिजिट 88। अब 9 का टेबल पढ़ेंगे कि हमारे पास 88 आए या फिर इससे कम आए। ठीक है, 9 का टेबल पढ़ेंगे, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81 एंड 9 10 90, 9 10 90 तो बढ़ जाएगा, तो हम 9 9 लेके जाएंगे 81। 8 में से 1 माइनस करेंगे बच्चों तो आएगा 7। ठीक है, तो देखें अब मैंने अब यहाँ पे लिखे हैं 1 चाइल्ड गेट सैंडविचेज इज इक्वल टू 9 और लेफ्ट सैंडविचेज आर लेफ्ट, यानी कि कितने सैंडविचेज बच गए हैं हमारे पास, वो हैं 7। ठीक है बच्चों, तो ये आपने इस तरीके से अपनी नोटबुक पे लिखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये देखें यहाँ पे है, देयर आर 34 चॉकलेट्स इन अ पैकेट, सीमा वांट टू ईट इक्वल अमाउंट इन 5 डेज। ठीक है, सीमा एक लड़की है जिसके पास 34 चॉकलेट्स हैं और उसने 5 डेज में ये इक्वली खाने हैं। हाउ मैनी चॉकलेट्स विल शी ईट डेली, वो कितनी चॉकलेट्स जो है वो हर रोज़ खाएगी, एंड हाउ मैनी विल बी लेफ्ट ओवर, कितनी चॉकलेट्स जो हैं वो बच जाएंगी। यहाँ पे देखिए चॉकलेट्स लिखी हैं, चॉकलेट्स कितनी दी हैं उन्होंने हमें, 34, और डेज कितने हैं, 5 है। चॉकलेट्स इटन इन 1 डे, एक दिन में इसने कितनी चॉकलेट्स खाई हैं, तो हम 34 को 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब एक दिन को उन्होंने पूछा है तो हम क्या करेंगे, 34 को 5 पे डिवाइड कर देंगे। ये देखें 5 के टेबल पढ़ेंगे कि 34 आ जाए, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 7 35 इससे बढ़ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 5 6 30 लेके जाएंगे, फिर इसको माइनस करेंगे, 4 में से 0 माइनस करेंगे 0, 3 में से 3 माइनस करेंगे तब भी आ जाएगा, 4 में से 0 माइनस करेंगे 4, 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0। ठीक है, तो वो एक दिन में कितनी चॉकलेट्स खाएगी, 6, और उसके पास जो बच जाएंगी तो वो कितनी रह जाएंगी, वो रह जाएंगी 4। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, रमीज बायज 46 गोल्फ बॉल, ही पैक्स 8 ऑफ देम इन 1 पैकेट, हाउ मैनी पैकेट डज ही मेक, हाउ मैनी गोल्फ बॉल आर लेफ्ट ओवर। इसमें आप ये बता रहे हैं हमें कि रमीज ने 46 बॉल्स खरीदी हैं। ठीक है, और उसने इनको पैक किया और एक पैकेट में उसने 8 बॉल रखी हैं, और अब वो पूछ रहे हैं कि टोटल कितने पैकेट्स बनाए हैं उसने, और फिर वो ये भी पूछ रहे हैं कि आप फिर बताएं पैकेट्स भरने के पास कितनी बॉल्स उसके पास जो है वो बच जाएंगी।
तो हमने यहाँ पे लिखा बॉल्स, गोल्फ बॉल्स कितनी ली थी उसके पास, 46 पैक्ड इन वन पैकेट, एक पैकेट में उसने कितनी पैक की थी, 8। ठीक है, अब हमें ये बता दिया कि एक पैकेट में इतनी है और टोटल बॉल्स इतनी है। आपको पूछ रहे हैं कि उसने पैकेट्स कितने बनाए हैं, तो लिखेंगे पैकेट्स ही मेक इज इक्वल टू 46 को 8 पे डिवाइड कर देंगे, देखें। ठीक है, यहाँ पे रफर पे मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है, 8 का टेबल पढ़ेंगे कि हमारे पास 46 आ जाए। 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 6s are 48। 48 तो फिर इससे बढ़ जाएगा बच्चों, तो हमें क्या करना है, हमें कम नंबर लेके जाना है, हमें बड़ा नंबर नहीं लेके जाना। 8 5s are 40 लिखेंगे, 6 में से 0 माइनस करेंगे 6, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0। ठीक है, तो यहाँ पे कितने पैकेट्स ने बनाए हैं, 5 पैकेट्स बनाए हैं, और जो बॉल बच गई हैं उसके पास वो हैं 6। ठीक है बच्चों, तो ये देख लें आपने इसी तरीके से अपनी नोटबुक पे लिखना है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 चिल्ड्रन इक्वली शेयर द कॉस्ट ऑफ अ पिज़्ज़ा, इफ़ कॉस्ट ऑफ द पिज़्ज़ा इज ₹550, हाउ मच मस्ट ईच चाइल्ड पे। ये वो बता रहे हैं हमें कि 5 बच्चे हैं, ठीक है, जिन्होंने एक पिज़्ज़ा शेयर किया है, और जो पिज़्ज़ा की प्राइस है वो है 550। आप ये हमसे पूछ रहे हैं कि हम बताएं इनको कि हर बच्चे ने कितनी मनी वे पे उसकी प्राइस में से पे की है। चिल्ड्रन कितने थे हमारे पास, 5, वो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा की क्या कॉस्ट दिया उन्होंने हमें, ₹550, वो लिख दी। अब हम ये तो उन्होंने हमें बता दिया है, ठीक है, अब वो हमसे पूछ क्या रहे हैं वन चाइल्ड पे, कि एक बच्चे ने कितने पैसे जो हैं, कितने रुपए वो पे किए हैं, तो 550 को हम 5 पे डिवाइड करवा देंगे। देखें मैंने यहाँ पे 550 को डिवीजन के अंदर एज अ डिवाइडेंड रखा है और 5 को एज अ डिवाइजर बाहर रखा है। देखें बाहर वन डिजिट है, अंदर वाला वन डिजिट जो है वो इसकी इक्वल है, ठीक है, तो अब हम ये एक ही डिजिट लेंगे, 5 1s are 5, 5 में 5 माइनस करेंगे 0, नेक्स्ट 5 को नीचे ले आएंगे, 5 1s are 5, ठीक है बच्चों, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, और लास्ट पे अब हमारे पास 0 तो उसको भी नीचे लेके आएंगे, 5 0s are 0, इसको भी डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आया है, 110 रुपीज़, हर बच्चे ने 110 रुपीज़ जो हैं वो पे किए हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने इसी तरीके से इन सब सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।